रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खेरसान से सटे हुए कोखोक्वा डैम पर मिसाइल अटैक का दावा किया जा रहा है। कोखोक्वा डैम पर मिसाइल अटैक का दावा किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि डैम को नुकसान पहुंचा है और इस हमले का आरोप रूस ने यूक्रेन पर लगाया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने कोखोक्वा डैम पर 6 हाईमार्स मिसाइल दागी हैं। क्या खेरसान डूब जाएगा? क्या खेरसान में आएगी सबसे बड़ी तबाही? खेरसान का खलनायक कौन? रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे पहला ट्विस्ट तब सामने आया जब एक के बाद एक हमले कर रहे पुतिन ने रूसी सैनिकों को खेरसान से बाहर निकलने का आदेश दिया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना हथियार और टैंक के साथ खेरसान में दाखिल हो गई। लेकिन लगातार ज़ेलेंस्की को डर था कि कहीं ये कोई पुतिन की नई चाल तो नहीं, और अब जो खबर सामने आई है वो खेरसान को डुबाने वाली प्लानिंग की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि खेरसान से सटे काकोवका डैम पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया है। ये दावा रूस की तरफ से किया गया है कि काकोवका डैम पर यूक्रेन की सेना ने एक के बाद एक 6 हाइमर्स मिसाइल दागी। रूसी एजेंसी ने दावा किया कि सुबह 10 बजे 6 हाइमर्स रॉकेट से डैम पर हमला किया गया, जिसमें से 5 मिसाइल को रूस की सेना ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन एक हाइमर्स मिसाइल डैम से टकरा गई, जिससे काकोवका डैम क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही रूस की तरफ से आपातकालीन सेवा का ऐलान किया गया है, जिससे कोई बड़ी घटना को रोका जा सके। तो वही यूक्रेन ने भी इस आरोप पर पलटवार किया और बताया कि युद्ध की शुरुआत से ही इस डैम पर रूस के हमले को लेकर वो दुनिया को अलर्ट कर चुका था, और जब खेरसान से रूस की सेना की वापसी हो रही है तो फिर क्यों यूक्रेन इस तरह के कदम उठाएगा। नीपर नदी पर काकोवका डैम स्थित है, यूक्रेन के इलाके में पड़ता है ये काकोवका डैम। युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने हमला करके इस डैम पर कब्जा कर लिया था। काकोवका डैम से क्राइमिया में पानी की सप्लाई होती है, और अगर ये डैम टूटता है तो खेरसान इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जैसे ही रूस ने डैम पर यूक्रेन के अटैक का जिक्र किया, हर कोई परेशानी में आ गया था। लेकिन फिर रूस की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया कि सब ठीक ठाक है, डैम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। रूसी एजेंसी के मुताबिक सब कुछ नियंत्रण में है। हवाई हमले को नाकाम कर दिया गया था, फिर भी एक मिसाइल डैम से टकराए, लेकिन डैम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बयान के सामने आने के बाद पुतिन के इरादों पर सवाल उठने लगा है कि आखिर पुतिन की मंशा क्या है? क्या वो डैम का डर दिखाकर यूक्रेन पर नया दबाव बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगर काकोवका डैम की बात की जाए तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, और इस डैम के ध्वस्त होने से खेरसान अंधेरे में डूब सकता है, और इसका असर भी दिखने लगा है। दावा किया जा रहा है कि खेरसान के कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं, तो वहीं खेरसान में पानी की किल्लत भी होने लगी है। लेकिन एक बार फिर से इसका आरोप रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगाया गया है कि जैसे ही खेरसान में यूक्रेन की सेना दाखिल हुई वो हमले कर रही है, जिससे बिजली और पानी की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लेकिन सवाल है कि अपने ही इलाके में यूक्रेन तबाही क्यों मचाएगा, जबकि काकोवका डैम को लेकर ज़ेलेंस्की ने मांग की थी कि काकोवका डैम को रूस नुकसान पहुंचा सकता है, डैम को रूस की सेना बम से उड़ा सकती है, डैम पर अंतरराष्ट्रीय मिशन की तैनाती की जाए। इसके साथ ही कहा था खेरसान और क्राइमिया में तबाही आ सकती है, यानी जिस बात का डर ज़ेलेंस्की को पहले से था वैसा अब होने लगा है। डैम पर हमले वाली साजिश रचकर खेरसान में तबाही की स्क्रिप्ट कौन लिखना चाहता है? किसकी आंखों में काकोवका डैम खटक रहा है, और आखिर खेरसान का खलनायक कौन है?
प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्राइमिया और खेरसान को इंडिपेंडेंट और अपने अधीन कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, तो फिर भला वहां डैम बम क्यों गिराएंगे? और हाल फिलहाल में क्राइमिया पर बम अटैक किया किसने था, इस पर भी जरा तवज्जो कीजिए, जरा गौर फरमाइए। आइए अब आपको बताते हैं कि इस डैम में हमले, इस डैम पर अगर हमला होता है कखोका डैम पर, तो इसका अर्थ क्या है। दरअसल नाइपर नदी पर कखोका डैम बना हुआ है। वैसे ये डैम यूक्रेन के इलाके में पड़ता है, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला करके युद्ध की शुरुआत की तो उसने इस कखोका डैम पर भी कब्जा कर लिया था। तब से डैम रूस के कब्जे में ही है। इस कखोका डैम से क्राइमिया में पानी की सप्लाई होती है, पूरे खेरसान इलाके को बिजली भी पहुंचती है। तो वहीं खबर ये जो सामने आई है कि इस डैम पर हमला हुआ और हमले में डैम को नुकसान पहुंचा है। अगर ऐसा है तो डैम टूटने से सबसे ज्यादा खतरा खेरसान को होगा, क्योंकि नाइपर नदी का पानी बाढ़ बनकर खेरसान में तबाही मचा सकता है। और ये दोनों इलाके फिलहाल रूस के कब्जे में हैं, रूस के अधीन हैं। बड़ी खबर आ रही है, रूस 9 महीने से यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और जंग लड़ते लड़ते उसके हथियारों का जखीरा भी खाली होता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि रूस का दोस्त उत्तर कोरिया उसे जंग लड़ने के लिए चोरी छिपे गोला बारूद भेज रहा है। तो वहीं यूक्रेन का आरोप है कि रूस ईरान से मिले कामिकाजे यानी आत्मघाती ड्रोन्स की बदौलत उसे नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन में बरस रहा बारूद उत्तर कोरिया से आया। यूक्रेन की तबाही का सबब ईरान के कामिकाजे ड्रोन। रूस को मिला ईरान नॉर्थ कोरिया का साथ। जंग में पुतिन के गैंगस्टर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए 256 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस जंग का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रूस और यूक्रेन इस जंग को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस एक लंबे वक्त के बाद ये जंग जीत भी गया तो ये उसके लिए एक बड़ी हार साबित होगी। फिलहाल रूस यूक्रेन जंग में इस कदर फंस चुका है कि उसके लिए इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से रूस और यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना के लिए ये लड़ाई और भी मुश्किल होती जा रही है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन 9 महीने से जारी जंग लड़ते लड़ते उसके हथियारों का जखीरा भी खाली होता जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर रूस का गोला बारूद का जखीरा खाली होता जा रहा है तो फिर उसके पास जंग के लिए गोला बारूद कहां से आ रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर रूस को कौन इतनी बड़ी तादाद में गोला बारूद मुहैया करवा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि रूस का दोस्त उत्तर कोरिया उसे जंग लड़ने के लिए चोरी छिपे गोला बारूद भेज रहा है। और यूक्रेन का आरोप है कि रूस ईरान से मिले कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन्स की बदौलत उसे नुकसान पहुंचा रहा है। मिनिमम по 10 штук. Іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 шахедів. Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами. А в Тегерані про це взагалі мовчать. Українські рашпати Володимир Зеленський ка є баян баре майне рактає. Унке баян ме хакікат чіпі. दरअसल यूक्रेन की सेना के खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान रूस को सुसाइड ड्रोन सप्लाई कर रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस जिन ट्रेन के जरिए टार्टर्स में यूक्रेन से चुराए अनाज को भेजता है
उन्हीं ट्रेनों की वापसी के दौरान ईरान अपने ड्रोन रूस भेज रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इस पूरे खेल में ईरान अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा है। रूस को ड्रोन सप्लाई के इस गोरख धंधे में उसका साथ सीरिया, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी दे रहे हैं। यूक्रेन का यह भी दावा है कि ईरान एक महीने में 150 सुसाइड ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है। इनमें शाहिद 131, शाहिद 136, अर्श 1, अर्श 2 कामिकाजे ड्रोन और मुहाजिर 6 अटैक ड्रोन शामिल है। ईरान हवा और समंदर के जरिए ड्रोन सप्लाई कर रहा है। ड्रोन सप्लाई में ईरान की 4 कंपनियां शामिल हैं, ईरान एयर, महान एयर, पोया एयर और साहा एयरलाइंस। ईरान की ईरानियन इंडस्ट्रियल कंपनी कैस्पियन सागर के जरिए ड्रोन सप्लाई कर रही है। ये जहाज ईरान के बंदर अंजाली से निकलकर रूस में अस्त्राखान बंदरगाह पर पहुंचते हैं। इसके अलावा क्राइमिया से टार्टस जाने वाली ट्रेन के जरिए सीरिया भी रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है।